चुनाव के मद्देनजर जाति समीकरण साधते हुए नए चेहरे को लाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इन दिनों विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें वह यह दावा कर रहे हैं कि वह 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट करेंगे। राजस्थान रेगिस्तानी जहाज की जगह अब हवाई उड़ान का क्रेज, 55 दुल्हनों की हेलीकॉप्टर से विदाई। जयपुर की महिला से मुंबई में रेप, किडनैप कर रिश्तेदार ले गया मुंबई, 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा। डिप्टी डायरेक्टर महिला कर्मचारी से बोला आई लव यू, जबरदस्ती वीडियो कॉल करता था, छुट्टी के बाद भी रोकता था, महिला बोली सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है। लंदन से दिल्ली जा रही फ्लाइट पायलट जयपुर से उतरे, खराब मौसम के कारण 5 फ्लाइट हुई डायवर्ट। बोलोरो 60 फीट गहरे कुएं में गिरा, एक की मौत, बुआ को मंदिर छोड़कर आ रहे थे भाई, रेस्क्यू के लिए सैकड़ों लीटर पानी निकाला गया। जयपुर में पड़ोसी ने की महिला से जबरदस्ती, पति की गैर मौजूदगी में घर में घुसा, विरोध करने पर फाड़े कपड़े। 10 साल का अफेयर साजिश फिर मर्डर, प्रेमिका को पहाड़ी पर ले जाकर दी दर्दनाक मौत। बीजेपी उठा रही आपातकाल का मुद्दा, आपातकाल को लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई, बीजेपी शॉर्ट फिल्म का सोशल मीडिया पर बीजेपी कर रही है प्रचार। एक दूल्हे के साथ 2 दुल्हनों ने लिया 7 फेरे, बांसवाड़ा में अनोखी शादी देखने को मिली। कोटा में हुआ कांग्रेस का यूथ सम्मेलन, चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। बीकानेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे से जल्द कई नई उड़ानें शुरू होने की संभावना। राजस्थान के कोटा में एक पिता अपनी बेटी के शव से लिपट कर रोने लगा, बोला डॉक्टर बनाने का सपना लेकर आई थी, शव लेकर जा रहा हूँ। 9 जिलों में सीएम अशोक गहलोत का गणित बिगाड़ेंगी एक्स सीएम मायावती। राजस्थान कोटा में कांग्रेस का यूथ सम्मेलन, चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। जाट महासभा जिला की अध्यक्ष भरतपुर श्रीमती सुधा चौधरी की दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी। देर रात को नाबालिग दुष्कर्म का आरोपी हुआ फरार, नवीन जिले संचाल थाने का था मामला, पुलिस की टीम आरोपी कर रही है जांच। एक दिन की देरी से राजस्थान में मानसून की एंट्री, 15 जिलों में हुआ एक्टिव, 8 जिलों में 3 दिन से भारी बारिश का अलर्ट। बूंदी निवासी युवक और विवाहिता कोटा की एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे और साथ ही रहने लगे थे, संबंध गहरे हुए तो लिविंग में रहने लगे, लंबे समय तक साथ रहे।